मूवी यार मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी। पूरा पैसा वसूल है। अरे वैश दीदी वेस्ट है, दीदी का करियर ये पिक्चर से एक नंबर गया, एक नंबर। बेसिकली मैं कंपैरिजन लेके गया था कि स्त्री के मुकाबले होगी, बिकॉज ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था और इस तरीके की मूवीज़ होती है, क्योंकि लग रहा था जोम्बी फ्लेवर है इसके अंदर या चुड़ैल फ्लेवर है, स्त्री वाला फ्लेवर। अल्टीमेटली राजकुमार वाज डूइंग इट, तो लग रहा था कंटेंट भी अच्छा होगा, लेकिन डिसअपॉइंट किया है मुझे अल्टीमेटली मूवी ने। नहीं यार, वो स्त्री और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों में। स्त्री कंटेंट ड्रिवन थी और ये कंटेंट बनाने की, प्रिटेंड करने की कोशिश की है, मतलब जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेगेसी थी स्त्री की, शायद उसको लेके आगे जाने की कोशिश थी कि राजकुमार को ले लेते हैं एंड उसी वाली स्टोरी पे काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मूवी इज फैबुलस, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट विद फ्रेंड्स। ये मस्ती वाली पूरी मूवी है, इसमें जैसे हॉरर दिया है बट द टर्न ऑफ कॉमेडी इन द हॉरर इज अल्ट्रा फैबुलस, अल्ट्रा फैबुलस, सुपर। पूरा पैसा वसूल है, एनीबॉडी कैन वॉच इट, कोई भी एज का आप देख लो, कोई भी फैमिली, पूरी मूवी है, फैमिली मूवी है इन शॉर्ट, एंड इट इज अ वेरी फैबुलस फन मूवी टू गो विथ एनीबॉडी बट इन अ ग्रुप, डेफिनेटली टू वॉच इट। ओके श्रद्धा, एज अ स्त्री और जानवी एज अ रूही, कौन आपको ज्यादा पसंद है? जानवी, जानवी, बिकॉज़ दिस में या देयर इज अ ट्विस्ट विद द कैरेक्टर, सो वी लाइक द ट्विस्ट इन दिस मूवी, राइट? So it is this one, Janvi, we prefer. Yeah. Songs काफी hit हो रहे हैं। बहुत hit हो रहे हैं। The songs are also good. Ones, yes, yeah. The Pangat songs, the last one, it is actually very good. It is, trust me, it is good. We like the beat. जैसे कि आपने कहा कॉमेडी बहुत अच्छी है, किसकी कॉमेडी इस फिल्म में आपको ज्यादा पसंद है? डेफिनेटली राजकुमार, राजकुमार की कॉमेडी एंड हिज या एंड द सपोर्टिंग कैरेक्टर आल्सो, ही इज आल्सो वेरी फैबुलस। उनकी जो मेल है, जो दोनों का एक साथ कॉमेडी हो रहा है, इट इज़ वेरी फैबुलस। उनका साथ में बहुत अच्छे से कोरियो किया है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कॉमेडी होगा, मुझे लगा कि मतलब स्कैरी मूवी है, बट बाद में पता चला कि कॉमेडी और स्कैरी मतलब दोनों है। वरुण और राजकुमार राव, सॉरी, वरुण और राजकुमार राव, कॉमेडी किसकी बेटर थी? द थिन गाय, आई डोंट नो हिज नेम एक्चुअली। हां ओके, आउट ऑफ 5, सॉरी, आउट ऑफ 5 हाउ मच? 4.5। थैंक यू। पर सब कुछ पता था कि होने वाला है कैसे, मतलब शुरू के लिटरली फर्स्ट हाफ पे आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्टोरी, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश की जा रही है, तो वो स्त्री को फॉलो अप करने की कोशिश की गई थी। कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी भी है, तो कॉमेडी कितना कुछ आपको मतलब एंटरटेन कॉमेडी? या एंटरटेन कॉमेडी, इसी कॉमिक टाइमिंग वरुण की वॉज वेरी गुड, जैसा कि सब जानती है। राजकुमार की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन कॉमेडी ज़्यादा हंसा नहीं पाए वो, लेकिन वरुण वॉज लाइक लिटरली एक दो पॉइंट पे हंसी आती है जस्ट बिकॉज ऑफ हीज फ्लेवर जो वो ऐड करते हैं, बाकी कॉमेडी के नाम पे कुछ नहीं है। अल्टीमेटली कंटेंट नहीं है ना, मतलब जो भूत बन के आ रही है ना, लोग डर पा रहे हैं ना हंस पा रहे हैं। मुझे यार बेसिकली मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आई हेट हर और आई डोंट लाइक हर, शी माइट बी अ गुड एक्ट्रेस बट इस वाले रोल में शी डिडंट डू दैट मच गुड, मतलब जितना वो कर सकती थी, क्योंकि चैलेंजिंग रोल था बट शी वुडंट डू इट। कंपेयर टू श्रद्धा कपूर, नहीं यार, श्रद्धा कपूर डिड इट रियली वेल इन स्त्री, और शायद उनका कैरेक्टर भी डिफरेंट था। इसका क्या है कि इनको मतलब वो टाइप का रोल नहीं दिया गया। हाँ नहीं, वो टाइप का रोल भी नहीं है और इनका डिफरेंट रोल है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस रोल में काफ़ी कुछ कर सकती थी जो मिसिंग लगा, मतलब मुझे ही नहीं, आप किससे भी पूछेंगे आपको सबको लगेगा। तो आपको सॉन्ग कैसे लगे फर्स्ट? यार लेट्स द म्यूजिक प्ले इज ओनली ट्रैक जो याद रखा जा सकता है, जस्ट बिकॉज इट इज लाइक चाइल्डहुड मेमोरी काइंड ऑफ थिंग, उसके अलावा जितने भी गाने हैं आई थिंक भुला दिए जाएंगे। मूवी की जो लेंथ है अराउंड, यार 2 घंटे 3 मिनट की मूवी है, करीब करीब 2.5 घंटे की हो जाती है तब थिएटर में बैठते हैं, एंड मुझे लगता है कि 1.25 घंटा इंसान सोएगा ही मूवी देखते हुए। आई थिंक 1 और 2, दैट्स इट। कैसी लगी आपको? एक नंबर पिक्चर है,
सच्ची में इतना भारी पिक्चर कभी देखा नहीं। स्त्री से कंपेयर करेगा ना, स्त्री में जितना कॉमेडी है ना उससे ज़्यादा इसमें डरावना कॉमेडी, फुल पैसा वसूल ड्रामा, एक नंबर फिल्म ब्लॉकबस्टर। आपको क्या अच्छा लगा ये मूवी? मेरे को एक स्टोरी अच्छी लगी भूत की, एक नंबर है। और वो जो मतलब अलग अलग शहर में वो भूत भगाने का वो भी अच्छा लगा, क्लाइमैक्स एक नंबर है। जानवी कपूर कैसी? जानवी कपूर अरे बेस्ट दीदी, बेस्ट है दीदी का करियर ये पिक्चर से एक नंबर गया, एक नंबर। दोनों हीरो में से सबसे बेस्ट आपको कौन लगा, राजकुमार राव या वरुण शर्मा? शायद से वरुण शर्मा, क्योंकि उसका अभी पहला मतलब पहला अच्छा फिल्म आया है। उससे पहले फुकरे सब में थोड़ा कम एक्टिंग था, पर इसमें एक नंबर के है। राजकुमार राव का तो करियर बेस्ट है पहले से, इसका कोई टेंशन नहीं। सॉन्ग अभी लास्ट का जो सीन था ना पनगट वाला, वो मेरे को अच्छा लगा, और स्टार्टिंग का सॉन्ग। आउट ऑफ फाइव कितना दे? 5/5, वर्थ इट पिक्चर है सर, वर्थ इट। पब्लिक को आप क्या बोलना चाहोगे? पब्लिक को बोलना चाहूँगा प्लीज़ जाके देखिए फिल्म, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, पर देखिए क्या मस्त स्टोरी बनाए। और हेड्स ऑफ टू दिस डायरेक्टर जिसने फिल्म किया, थैंक यू। बहुत अच्छी लगी मूवी, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी लगी, एक्टिंग भी बहुत फर्स्ट क्लास थी तीनों की। और सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन? जानवी। मतलब दोनों की कॉमेडी बहुत अच्छी है, पर वो डरावना है ना वो बहुत अच्छा था उनका, इतने हॉरर फिल्म भी नहीं है। जानवी ने पहली बार का रोल किया है तो कितना डर लगा? नहीं मुझे डर नहीं लगा, नहीं लगा। कॉमेडी भी है, कॉमेडी बहुत है, कॉमेडी बहुत। स्त्री के अगर कंपेयर किया जाए तो ये बेस्ट है स्त्री, इसके कंपैरिजन में नहीं। अरे 5/5 स्टार है मेरे, एक नंबर। पनगट मेरा फेवरेट सॉन्ग है। आउट ऑफ 5 कितना दो? 5। अच्छा काम है, बढ़िया है काम। 3। थैंक यू, ओके।